नमस्कार, मैं आयुषी जोशी अचीव आईएएस द्वारा प्रस्तुत समसामयिक की विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय है बजट सत्र 2020। आइए बात करते हैं बजट सत्र 2020 के बारे में। बजट सत्र 2020 की शुरुआत वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वेक्षण के पेश करने के साथ ही हो चुकी है। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का पहला चरण शुरू हो चुका है जो 11 फरवरी तक समाप्त होगा, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 2 मार्च से होगी और उसका समापन 3 अप्रैल तक होगा। बजट सेशन 2020 को रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद शुरुआत की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी में पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जी ने गुरुवार को संसद में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। आपको बता दें कि बजट सत्र एक महत्वपूर्ण बजट की कामना लेकर आता है तथा इससे कई सारी उम्मीदें होती हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद संसद को कार्यवाही को कल 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया है। इस लोकसभा सत्र का आकर्षण का केंद्र बने रहे भाजपा नेता विजय गोयल के आकर्षण का केंद्र होने की 2 वजह देखी गई। पहली वजह थी उनका साइकिल पर संसद में आना और दूसरी वजह थी उनकी साइकिल पर लगा एक बैनर जिस पर लिखा था CAA पर पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। इस आपको बता दें कि विजय गोयल जी द्वारा पेश किए गए इस नमूने को काफ़ी सराहा जा रहा है। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिए गए भाषण के बारे में। राष्ट्रपति ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है। बदलते समय में देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी है। देश के आंतरिक वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान 2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान 3 की स्वीकृति की दी जा चुकी है। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान पर तेजी से कार्य हो रहा है। मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया भर में आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेश के ऐतिहासिक स्तर पर है। इसी के साथ राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है। राष्ट्रपति ने CAA पर कहा कि मुझे यह प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है। मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूँ। मेरी सरकार एक बार फिर साफ करती है कि
भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। टीम ने 6 महीने में दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया है। इसी के साथ राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहब कॉरिडोर का निर्माण करके गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। इसी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कहना है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि की पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता के व्यवहार किया गया था, वह भी प्रशंसनीय है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद में काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में सदन द्वारा कार्य निष्पादन पिछले 7 दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है। इसी तरह राष्ट्रपति के संबोधन द्वारा इस सभा को सुनियोजित किया गया। इसी के साथ नए बजट की कल्पना करते हुए कल तक के लिए इसे स्थगित किया गया। आइए देखते हैं कि ये बजट क्या उन्नति की राह दिखाता है, किस तरह ये देश को लाभ पहुंचाता है और इस बार ये बजट हमारे लिए क्या कुछ नया। का हुआ है और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूं मैं। धन्यवाद।